हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमन कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये फिजिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ड देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि नया नहीं है हम लोग के लिए, जो कि हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर इसका हम लोग को डेप्थ नहीं पता, इसके अंदर का चीज नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल में चार्ज करने में यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी में भी इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जो बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग हाउस होल्ड चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर माइक्रोवेव हो गया, हम लोग हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब है क्या ये चीज़, तो इट इज़ ए एनर्जी, इतना तो बोल ही सकते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। एनर्जी बहुत टाइप का फॉर्म का होता है, साउंड का भी एक एनर्जी होता है। जैसे साउंड हम बोलते रह रहे हैं, हम अगर दो घंटा ऐसे ही बोलते रहें तो क्या मेरे अंदर एनर्जी बचेगा? वो एनर्जी कहाँ गया? वो साउंड के फॉर्म में निकल गया। तो हीट का भी एक अलग एनर्जी होता है, उसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू पावर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, मशीन्स को चलाने में या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने में, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, मशीन्स जो हैवी हैवी मशीन्स होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको यूज़ करते हैं। किसके द्वारा हम लोग उसको यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में इतना जान लिया हम लोग, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये वर्ड बहुत सुने होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट तो सुने ही होंगे। ठीक है, करंट गया, करंट आ गया, जो भी है। करंट क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक को छोड़ते हैं, पहले करंट देखते हैं। करंट क्या होता है? करंट मतलब होता है जो बह रहा है, जो बह रहा है, जो चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? करंट। जो नहीं चल रहा है, जो रेस्ट में है, उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक। उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिक। तो जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें जो कि रेस्ट में है, तो वो एक अलग चैप्टर होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया जो करंट जो बह रहा है, जैसे वाटर करंट, एयर करंट। वाटर करंट मतलब क्या? जो बह रहा है, जो रिवर है, वो वाटर करंट किसको कहते हैं? जो बह रहा है। उसी टाइप का इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है उस करंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ इलेक्ट्रिक क्या है, क्या बह रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोल रहे हैं वो क्या बह रहा है? वो बह रहा है चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसका क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का क्या मतलब हो गया? फ्लो। करंट का क्या मतलब हो गया? फ्लो। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है? फ्लो। दोनों को कंबाइन करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? अब देखो, इसको डिनोट कैसे करते हैं? हर चीज का कोई ना कोई डिनोशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोग पढ़े, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसी टाइप का इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। ठीक है, गुड, ये क्लियर हुआ। अब देखो,
ये समझ में आया? अब देखो इसमें और एक चीज है कि वेलोसिटी को मेजर किससे करते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वेलोसिटी को वी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड करते हैं ना मेजर मीटर पर सेकंड में। तो उसी टाइप का, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एम्पियर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल ए से। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्या जाने, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई, इट इज मेजर्ड बाय एम्पियर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से। ठीक है, अब देखो ये सब चीज जान गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको जानना अभी भी बाकी है, इसको जानना अभी भी बाकी है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं वो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज अब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग चार्ज पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ज सुनते हुए भी आ रहे हैं कि बैटरी को चार्ज करना चाहिए, मोबाइल चार्ज कर दो, ये चार्ज आखिर है क्या? देखो एक एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियस जो होता है एक एटम में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये जो चार्ज है ये है क्या, तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर का। एटम क्या है, मैटर का ही सबसे छोटा पार्ट को एटम कहते हैं ना। तो एटम में जो ये चार्ज है वो है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर का। तो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंसेस ए फोर्स वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोई भी मैटर पर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता है, चार्ज के वजह से। दैट इज कॉल्ड चार्ज, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज। ठीक है, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का। तो इसको लिखेंगे कैसे, इट इज दी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझते कैसे, मान लो कि एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये मान लो बुक है और ये तुम हो, तो तुमको इसके से अट्रैक्ट होने के लिए हमको एक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, जिस फील्ड को हम लोग कहेंगे एग्जाम। ठीक है, एग्जाम अप्लाई करने के बाद तुम इस बुक से अट्रैक्ट होगे। तो उसी टाइप का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, तब मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज दो टाइप का होता है, ये सबको पता है। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। देखो चार्ज पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। जब सिमिलर चार्ज हो, मान लो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव या नेगेटिव है, तो यहां रिपल्शन होता है। यहां क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब दूर भागना एक दूसरे से। रिपल्शन मतलब क्या, एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो अट्रैक्शन होता है। मतलब कि अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर सिमिलर चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, तो वो रिपल्शन होगा वहां पर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी जाने कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये दो चीज समझ में आया। अब देखो
जैसे कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट में अभी 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 पढ़े ना, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर क्यू से, ठीक है। अब कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं, अब तो ये डिनोशन हो गया, या फिर इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसके बाद बताओ इसको मेजर किससे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से, कूलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, एक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से, और इसको मेजर किससे करते हैं कूलम से, कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट इसीलिए लिख के रखे थे क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे, लेकिन अब इसमें और एक चीज देख लेते हैं हम। एक कूलम कितना होता है, ठीक है, कूलम, वन कूलम इज इक्वल टू 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स का जितना चार्ज होता है उतना इक्वल टू 1 कूलम होता है, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है उसको कंबाइन करें तो वो 1 कूलम के बराबर होता है। इसमें एक बार क्वेश्चन आया है, जैसे कि क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको देखो, इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज। और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है QE। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कूलम आना चाहिए, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो अब N इक्वल टू 1 कूलम बाय QE इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू QE कितना है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। हम यहाँ नेगेटिवली चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। जैसे कि कितना सेब खाए, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा -2, तो नंबर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम और दैट इज इक्वल टू 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक कूलम चार्ज, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखो, अब यहां हम इलेक्ट्रिक करंट अभी भी लिख कर रखे हैं क्योंकि इसका हम लोग को अभी जरूरत है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्यू से। अब इसका हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब एनीथिंग बाय टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग रेट कहते हैं। तो इट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इट इज दी
चार्ज विथ मतलब रेशियो ऑफ चार्ज विथ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, ये समझ में आया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का अभी हम लोग यूनिट पढ़े, क्या पढ़े, एम्पियर, क्या पढ़े, एम्पियर, ठीक है। तो बहुत बच्चा इसमें यह लिख के आएगा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें बोला डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें एम्पियर को डिफाइन करना है तुम्हें, उसमें ये नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो वो होता है ऐसा यूनिट वो एम्पियर होता है, तुम्हें ये लिखना है कि एम्पियर किसको कहते हैं। तो देखो अब इसमें कैसे लिखना है, 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो इट इज द, इट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करेंट विच इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर का अगर डेफिनेशन आएगा तो हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू दी फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। इतना दूर क्लियर हुआ, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये वायर वगैरह तो देखे ही होगा, वायर वगैरह से जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, बैटरी रहता है, ये तो देखे होगे पहले, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहते हैं, इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तुम्हें क्या लिखना है कि एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इसमें फर्क क्या है, किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। एक सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये की है, मतलब स्विच है, ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है, ठीक है, ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। तो ये ऑफ है तो ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा, इसमें करंट पास नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसमें सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जैसे कि तार वायर को हम लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे, अगर वायर को हम लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में उस पूरे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए, पूरे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग को कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ चाहिए, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ चाहिए। जब कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा, जब कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, तब उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, तब उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये समझ में आया। और देखो सर्किट में कनेक्शंस भी होता है बहुत सारा, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कनेक्शन होता है, लेकिन सर्किट में कुछ कुछ कनेक्शंस भी होता है। अब जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हैं उसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि कनेक्शंस कितने टाइप का होता है। कनेक्शंस अब
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कनेक्शंस किस टाइप से हम लोग कनेक्ट करते हैं दो वायर्स को या फिर दो रेजिस्टर्स को, या रेजिस्टर क्या है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे कि कनेक्शंस कैसे कैसे करते हैं, दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।